जय हिंद दोस्तों, आप लोग को स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों, अगर आप लोग एनटीपीसी या ग्रुप डी की तैयारी करते हैं तो 2018 में पूछा गया सारे जो कि जीके जीएस का निचोड़ इस वीडियो में लेकर आए हैं। अगर आप लोग जो कि 2021 में जो कि ग्रुप डी को निकालना है या एनटीपीसी अगर एग्ज़ाम निकालना है तो आप लोग 10,000 ऑनलाइनर जीके देख लीजिए, इससे बाहर एक भी जीके आप लोग को देखने को नहीं मिलेगा। दोस्तों, इसमें सभी बजरंगी जीके हैं, मतलब बजरंगी जो संकट में काम आए वही बजरंगी होता है, यानी बजरंगी जीके इस वीडियो में लेकर आए हैं। तो सारे जो कि क्वेश्चन है वो सभी निचोड़ क्वेश्चन है, तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा, जो कि आप लोग को हर दिन यानी हर दिन एक घंटे का वीडियो मिलने वाला है। तो 7 दिन में यानी 7 दिन में इस बुक को ऑनलाइनर जो है 10,000 सारे जीके जो आप लोग को ख़त्म कर दूंगा। तो अगर आप लोग 2021 में जो कि एनटीपीसी या ग्रुप डी की एग्ज़ाम देने वाले हैं तो उससे पहले सभी क्वेश्चन जो कि ऑनलाइन आप लोग देख लीजिए, इससे बाहर आपको एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। दोस्तों, अगर आप लोग पढ़ लेते हैं तो आपको ग्रुप डी में कोई भी नहीं काट सकता है। तो आप लोग इस बुक को जो कि ऑनलाइनर है सारे जीके जीएस आप लोग ज़रूर पढ़िएगा। दोस्तों, आप लोग को हर दिन जो है वो सिर्फ एक घंटा का वीडियो मिलेगा, यानी 7 दिन में सारे क्वेश्चन जो कि आप लोग को ख़त्म कर दूंगा। तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़ जाइए, ये वीडियो जो है वो सिर्फ रिवाइज के लिए बनाया गया है। दोस्तों, अगर आप लोग को यानी बुक पढ़ने में या जो कि 2018 क्वेश्चन पढ़ने में मज़ा नहीं आ रहा है यानी मन नहीं लग रहा है तो आप लोग सिर्फ एक घंटा जो कि रिवाइज कर सकते हैं। ये वीडियो सिर्फ रिवाइज के लिए बनाया गया। अगर आप लोग पसंद करते हैं तो नेक्स्ट पार्ट भी आएगा, तो ये वीडियो सिर्फ रिवाइज के लिए बनाया गया। आप लोग एक बार रिवाइज जरूर कीजिएगा, एग्ज़ाम से पहले एक बार रिवाइज करना बहुत ही ज़रूरी है, तो आप लोग एक बार रिवाइज कीजिएगा। तो अगर आप लोग पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एनटीपीसी 2021 में पूछा गया जो कि 135 शिफ्ट का क्वेश्चन, अगर आप लोग अभी तक नहीं पढ़ रहे हैं तो हमारे जो कि प्लेलिस्ट में दिया हुआ है सारे क्वेश्चन, यानी एसके झा सर का, एसपीडी का ऑनलाइनर सारे, और जो कि ऑफिशियल क्वेश्चन है सारे सॉल्व क्वेश्चन है जीके जीएस, तो आप लोग सभी जीके जीएस देख लीजिए। आज हम जो कि ग्रुप डी 2018 का सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, क्वेश्चन है ग्रुप डी जो कि 17/9/2018 का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन, चलिए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है हाइड्रोजन के द्रव्यमान का ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात हमेशा होता है, तो हाइड्रोजन का 1 और ऑक्सीजन का 8 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब तक किसी पिंड का असंतुलित बल लागू किया जाता है तब तक किसमें निरंतर परिवर्तन होता रहता है, तो किसी पिंड को असंतुलित बल लागू किया जाता है तो चाल में जो कि निरंतर परिवर्तन होते रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रैफिक को नियंत्रित करने के लिए रोबोट का उपयोग करने वाला भारत के पहले शहर का नाम बताइए, तो इंदौर जो है वो ट्रैफिक को नियंत्रित करने वाला जो कि रोबोट का उपयोग किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से समूह के तत्वों की बाहरी कोष में जो कि पूर्ण होता है, तो बाहरी कोष जो है वो 18वें समूह के जो कि बाहरी कोष पूर्ण होता है, तो आंसर 18वें हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण का बल किसके रूप में जाना जाता है, तो गुरुत्वाकर्षण जो कि वजन के रूप में जाना जाता है, तो आंसर वजन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है तो घूर्णन करती हुई वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाला बल कहलाता है, तो केंद्र की ओर जो बल लगता है उसे हम अभिकेंद्रीय बल कहते हैं, क्या कहते हैं, अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस हिल स्टेशन को राजकुमारी के रूप में जाना जाता है, तो कोडाई कनाल को हम राजकुमारी के रूप में भी जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा जानवर का खून जो कि गर्म होता है, तो कबूतर का खून जो कि सबसे गर्म होता है, तो आंसर कबूतर हो जाएगा। कौन सा जानवर जो कि पराध्वनिक उत्पन्न करता है, तो पोर्पोइसेज, यानी पोर्पोइसेज जो कि पराध्वनिक उत्पन्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाशिंग सोडा के एक अणु में कितने पानी के अणु मौजूद होते हैं, तो वाशिंग सोडा के एक अणु में जो कि 10 पानी के अणु मौजूद होते हैं, जो कि Na2CO3 और 10H2O होता है, तो जो कि 10 पानी के अणु होते हैं। पौधों में लचीलापन किस ऊतक के कारण होता है, तो पौधों में जो कि लचीलापन होता है वो कोलेनकाइमा के कारण होता है, किसके कारण, तो लचीला होगा तो कोलेनकाइमा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से तत्व का रासायनिक प्रतीक लेटिन से लिया गया, तो आयरन का जो कि प्रतीक है वो लेटिन से लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निषेचित अंडा यानी युग्मनज
किसी में प्रत्यारोपित हो जाता है तो वो निषेचित जो कि अंडा है युग्मनज वो गर्भाशय में प्रत्यारोपित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंडक्टर का प्रतिरोध किस कारक पर निर्भर नहीं करता है? तो कंडक्टर का प्रतिरोध जो कि दबाव पर निर्भर नहीं करता है। किस अभिक्रिया में ऑक्सीजन हवा में मुक्त होती है? तो प्रकाश संश्लेषण में जो कि ऑक्सीजन है वो हवा में मुक्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण के लिए कौन सी धातु जो कि वाष्प के साथ अभिक्रिया करती है? तो एल्युमिनियम जो है वो वाष्प के साथ अभिक्रिया करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक प्रकार का प्रजनन जिसमें एक पौधे के शरीर का एक हिस्सा एक नए व्यक्ति में विकसित होता है जिसे कहा जाता है? तो यानी एक पौधे का शरीर एक अन्य यानी पौधे में विकसित होता है उसे हम वनस्पति प्रचार करते हैं। क्या कहते हैं? वनस्पति प्रचार करते हैं। दोस्तों सभी जीके जीएस देखने वाले हैं तो न्यूमेरिकल को हम जो कि इसको छोड़ देते हैं, न्यूमेरिकल नेक्स्ट वीडियो में आएगा जो कि सिर्फ न्यूमेरिकल रहेगा, इसमें सिर्फ हम जीके जीएस देखने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन है, पृथ्वी का द्रव्यमान होता है तो पृथ्वी का जो कि द्रव्यमान होता है वो 6×10^24 होता है, यानी 6×10^24 kg होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से देश का तटरेखा दुनिया में सबसे लंबी है? तो कनाडा का तटरेखा दुनिया में सबसे लंबी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी मीडिया में ध्वनि सबसे तेज यात्रा करती है? तो ठोस माध्यम में ध्वनि सबसे जो कि तेज यात्रा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन ठोस तरल गैस रूप में बाहर निकल जाता है? तो अधातु जो होता है अधातु वो ठोस तरल और गैस में बाहर निकल जाता है। तो याद रखिएगा अधातु जो कि ठोस तरल यानी द्रव गैस में बाहर निकल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी क्षितिज पावर लाइन के एकदम नीचे की बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी जिसमें पश्चिमी छोर से देखे जाने पर धातु पूर्व से पश्चिम में प्रभावित दिखती है? तो इसका जो कि आंसर हो जाएगा वर्मावत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवादित फिल्म पद्मावत में अलाउद्दीन खिलजी का किरदार किसने निभाया? तो अलाउद्दीन खिलजी का जो किरदार निभाया था वो रणवीर सिंह था। कौन था? तो रणवीर सिंह आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दयानंद सरस्वती किस मिशन के संस्थापक थे? तो दयानंद सरस्वती जो कि आर्य समाज के संस्थापक थे, तो आंसर आर्य समाज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2018 में पत्रकारिता के क्षेत्र में लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए रेड इंक पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? तो रेड इंक पुरस्कार के लिए जो कि मार्क तुल्ली को चुना गया, तो आंसर मार्क तुल्ली हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट चलिए नहीं है, नेक्स्ट है देखिए, सिनेमा के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए प्रतिवर्ष अकादमी अवार्ड यानी ऑस्कर का आयोजन किस देश में होता है? तो ऑस्कर का आयोजन जो होता है वो USA यानी अमेरिका में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने अगस्त 2016 में ऐतिहासिक अगस्त क्रांति मैदान में भारत छोड़ो 2 यानी स्वराज से सुराज पहल की शुरुआत की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र ने भारत छोड़ो 2 शुरुआत किया था। शतवर्षीय युद्ध किन देशों के बीच लड़ा गया? तो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच जो कि शतवर्षीय युद्ध लड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 2017 में सिंगापुर में अपना पहला सुपर सीरीज खिताब जीतने वाले बैडमिंटन खिलाड़ी का नाम क्या है? तो साई प्रणीत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह पुरस्कार कौन सा है जो श्रमिकों को उनके विशिष्ट प्रदर्शन नवाचार क्षमता उत्पादकता और प्रदर्शन के क्षेत्र में असाधारण साहस और मानसिक तत्परता में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? तो श्रम पुरस्कार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद का उच्च सदन किसे कहा जाता है? तो भारतीय संसद का उच्च सदन जो कि राज्यसभा को कहा जाता है, तो आंसर राज्यसभा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्षेत्र के संबंधन के लिए 2017 में उदय कोटक की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन हुआ? तो कंपनी शासन के तहत जो कि उदय कोटक की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन हुआ था। सत्यव्रत कादियान किस खेल संबंधित है? तो सत्यव्रत कादियान जो है वो कुश्ती संबंधित है, तो आंसर हो जाएगा कुश्ती। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट जो क्वेश्चन है, दोस्तों अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा है तो सभी लोग लाइक कर दीजिए और इस वीडियो पर हम जो कि लक्ष्य रखते हैं वो 1500 जो है वो लाइक का और 1000 सब्सक्राइब, सिर्फ 1000 सब्सक्राइब का लक्ष्य रखते हैं। दोस्तों आप लोग के लिए इतना मेहनत करते हैं, बस 1000 सब्सक्राइब आप लोग पूरा दीजिए दोस्तों।
और ये वीडियो जो कि हर दिन आप लोग को यानी 7 दिन में ये जो कि ख़त्म कर देंगे, 7 दिन में 7 वीडियो यानी 1 घंटा का हर वीडियो आएगा। तो आप लोग डेली देखिएगा, सिर्फ रिवाइज कीजिएगा, रटना नहीं है। अगर बुक पढ़ने का मन नहीं कर रहा तो एक बार इस वीडियो को देख लीजिएगा, बस याद हो जाएगा। तो आप लोग रिवाइज के लिए वीडियो ज़रूर देखिएगा और पसंद आए तो शेयर कीजिएगा। दोस्तों चैनल न्यू है, बस आप लोग का सपोर्ट चाहिए, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। चलिए क्वेश्चन है, धातुओं के किस गुण के कारण उनके पत्तर यानी फ्राइल बनाने में आसानी होती है? तो पत्तर बनाने में आघात वर्धीयता के कारण, जो जिसके कारण हम पत्तर बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गारो पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो गारो पहाड़ियाँ जो है वो मेघालय में स्थित है, तो आंसर मेघालय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में शकरा यानी शुगर के स्तर में वृद्धि का पता किसकी कोशिकाओं द्वारा चलता है? तो शुगर के स्तर में वृद्धि जो कि अग्नाशय के कारण जो कि पता चलता है, तो आंसर अग्नाशय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1931 में भारत की नई राजधानी के रूप में नई दिल्ली का उद्घाटन करने वाले वायसराय का नाम क्या था? तो 1931 में जो वायसराय था वो लॉर्ड इरविन था, तो आंसर लॉर्ड इरविन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 बार पोलिओमेगर पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन थे? तो इसका जो कि आंसर हो जाएगा वो विराट कोहली थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1939 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा शुरू की गई पार्टी का नाम क्या था? तो 1939 में जो कि ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक ए बुक ऑफ लाइट व्हेन ए लव्ड वन हैज़ ए डिफरेंट माइंड के लेखक, तो आंसर जेरी पिंटो हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई दिल्ली में संपन्न हुए 7वें स्मॉल बिजनेस अवार्ड्स में किस स्टार्टअप ऑफ द जो कि ईयर 2017 पुरस्कार प्रदत्त किया गया था? तो मिल्क बास्केट को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज किस वर्ष स्थापित किया गया? तो 1875 में यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का स्थापना हुआ था, तो 1875 हो जाएगा, जो कि इसका आंसर 1875 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस लवण का उदाहरण कौन सा है जिसके जलीय विलयन का पीएच मान यानी 7 से कम होता है? तो अमोनिया क्लोराइड यानी अम्लीय होता है अमोनिया क्लोराइड, तो अमोनिया क्लोराइड का जलीय विलयन 7 से कम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी राम सेतु कहाँ पर स्थित है? तो राम सेतु जो है वो पाक जलमर्मठ में स्थित है, जो कि भारत और श्रीलंका को जोड़ता है, तो आंसर पाक जलमर्मठ हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 90वां ऑस्कर अवार्ड में किस मूवी ने द बेस्ट पिक्चर अवार्ड जीता? तो द शेप ऑफ वाटर को दिया गया। 2018 के लिए पश्चिम बंगाल के उच्चतम नागरिक पुरस्कार यानी बंग विभूषण से किसे सम्मानित किया गया? तो बंग विभूषण से आशा भोसले को सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2017 में किस भारतीय मुख्यमंत्री को अमेरिका भारत यानी भारत व्यापार परिषद द्वारा ट्रांसफॉर्मेटिंग चीफ मिनिस्टर अवार्ड प्रदान किया गया? तो एन चंद्र बाबू नायडू को दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सबसे पहले महिला वकील है जिनको सीधे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया? तो इंदु मल्होत्रा जो कि प्रथम महिला न्यायाधीश है जिसको उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया, तो आंसर इंदु मल्होत्रा हो जाएगा। मछलियों के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो मछलियों के हृदय में 2 कक्ष होते हैं, तो आंसर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मेनियम आर्सेनिक सेलेनियम और ब्रोमीन के परमाणु में कितनी कक्षाएं होती है? तो आंसर 4 कक्षाएं होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का अपना पहला आधुनिक जलमार्ग विकसित करने में सहायता के लिए विश्व बैंक द्वारा कितनी ऋण जो कि स्वीकृत की गई? तो $375 मिलियन जो कि ऋण स्वीकृत किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे जो कि करंट अफेयर्स 2018 के, चलिए इसको छोड़ते हैं। नेक्स्ट है, उस देश का नाम बताइए जो निशानेबाजी के संयुक्त विश्व कप की 2019 की मेजबानी करेगा? तो भारत किया था 2019 का मेजबानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉन्स्टेनिया कौन सी धातुओं को मिश्रित करके बनाया जाता है? तो कॉपर और निकेल को मिश्रित करके जो कि कॉन्स्टेनिन बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा ऊतक पौधों को कठोर और दृढ़ बनाता है? तो एस्केलेरिकायमा जो होता है वो कठोर और दृढ़ बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमक्खी के डंक का इलाज करने के लिए किसके घोल का उपयोग किया जाता है? तो बेकिंग सोडा का उपयोग करते हैं यानी मधुमक्खी के डंक को इलाज करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पर आरोपित बल कहलाती है? तो नाभिकीय बल कहलाती है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातुओं का विद्युत प्रतिरोधकता सही क्रम, तो यानी Hg को सबसे ज़्यादा होता है, यानी उसके बाद निकेल का, उसके बाद टंगस्टन का, उसके बाद यानी चांदी का, सबसे कम चांदी का होता है और सबसे ज़्यादा पारा यानी Hg का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल, तो राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल जो होता है वो 6 वर्ष का होता है, तो आंसर 6 वर्ष हो जाएगा। चलिए करेंट और न्यूमेरिकल छोड़ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस परमाणु का उप परमाणु कण नहीं होता है, तो जीनोन का जो कि उप परमाणु नहीं होता है। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उस वस्तु के भार का कितना हिस्सा होता है, तो 1/6 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए जब एक गिलास पर रखे गए कार्ड को उंगली से ढका दिया जाता है तो उस पर रखा जिस सिक्का यानी गिलास में गिर जाता है, तो यह कथन किस नियम को व्याख्या करता है, तो यानी जड़त्व के नियम को व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में पाए जाने वाले प्लेसेंटा उत्तक के द्वारा कौन सा काम किया जाता है, तो प्लेसेंटा उत्तक द्वारा भ्रूण से अवशिष्टों को बाहर निकालना और भ्रूण को पोषण प्रदान करना, जो कि प्लेसेंटा का काम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु का भार सर्वाधिक होता है, तो सर्वाधिक जो कि ध्रुव पर होता है। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट जो है वो 17/9/2018 का थर्ड शिफ्ट का। चलिए क्वेश्चन है, हार्मोन का उत्पादन पौधों में होता है, ठीक, जिसके कारण स्टेम सूर्य के प्रकाश को की ओर झुकता है, तो ऑक्सीजन्स के कारण जो कि पौधे सूर्य की प्रकाश की ओर झुकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से समूह में गैर प्रतिक्रियाशील गैस होती है, तो 18वें समूह में यानी गैर प्रतिक्रियाशील गैस होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी परमाणु संख्या वाले तत्व के रासायनिक गुण यानी मैग्नीशियम के समान होती है, तो 4 परमाणु संख्या वाले गुण जो कि मैग्नीशियम के समान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परमाणु के अंदर एक प्रोटॉन पर एक न्यूट्रॉन का उत्सर्जन करने वाला बल है, तो आंसर परमाणु बल हो जाएगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड टेबल नमक के घोल को बनाने के लिए किसके साथ प्रतिक्रिया करती है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जो कि प्रतिक्रिया करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई काम नहीं होने पर विस्थापन और बल के बीच का लगभग जो कि कौन होता है, तो कोई काम नहीं किया तो बल और विस्थापन के बीच कौन होगा, 90 डिग्री हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी कोशिकाएं शिथिल रूप से भरी होती है ताकि बड़े अंतरकोशीय स्थान मिले, तो शिथिल रूप से भरी होती है पेरेन्काइमा कोशिका, जो कि इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विस्फोटक के कारण समुद्र के तल पर निर्मित लहरें होती है, तो अनुदैर्ध्य लहरें होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कीटोन के साथ समाप्त होने वाली हाइड्रोकार्बन श्रृंखला से जुड़ी प्रत्यय होती है, तो यानी 1 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर कीटाणु कोशिकाएं निर्मित होती है, तो नर कीटाणु कोशिका जो निर्मित होती है वीर्यसन से निर्मित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु संख्या यानी 57 वाले तत्व का संबंध, तो 57 वाले जो कि तत्व का संबंध डी ब्लॉक संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहाड़ी पर लुढ़कता हुआ एक शरीर, तो गतिज ऊर्जा एवं संभावित ऊर्जा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्य करने की दर जो कि कार्य करने की दर शक्ति होता है। एक खोल के विस्फोटक के बाद कई टुकड़े अलग अलग दिशा में उड़ जाते हैं, ऐसे मामले में क्या संरक्षण होता है, तो गति जो कि संरक्षण होता है, तो गति इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी रासायनिक कॉर्क कोशिकाओं में मौजूद है जो उन गैसों और पानी के लिए प्रबल होता है, तो सबमेरिन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेकिंग पाउडर का मिश्रण, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और टार्ट्रिक एसिड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन के संबंध में क्लोरीन की भिन्नता, तो आंसर 7 हो जाएगा, जो कि क्लोरीन का ऋणात्मक बंधु 7 होता है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन। कौन सी नदी तिब्बत से होकर बहती है और वहाँ यारलांग तांगस्पो नदी के रूप में जानी जाती है, तो ब्रह्मपुत्र नदी जो कि तिब्बत से होकर बहती है और यारलांग तांगस्पो के नाम से जानी जाती है, किस राजा की कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था, तो नरसिंह देव प्रथम ने जो कि कोणार्क मंदिर का निर्माण कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्याशक्ति किस वंश के संस्थापक थे, तो विद्याशक्ति जो कि वकाटक वंश के संस्थापक थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैकबाड़ी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो जैकबाड़ी जो कि विद्युत परियोजना गोदावरी नदी पर स्थित है। NH4 कोहाल्ट SO4 के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं, तो 15 परमाणु हो जाएगा। लाल चींटियों में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है, तो लाल चींटियों में फॉर्मिक अम्ल उपस्थित होता है। किस उत्पादन के मूल्य में वृद्धि होने के परिणाम स्वरूप
कई उत्पादकों के मूल्य में वृद्धि होगी, जिसके परिणाम जो कि मुद्रास्फीति होगा, तो आंसर पेट्रोलियम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए O2 का उपयोग करके पाइरूवेट का विभाजन किसमें होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉइल की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की सापेक्ष कितनी डिग्री होने पर प्रेरित धारा सबसे अधिक होती है, तो 90 डिग्री होने पर जो कि प्रेरित धारा होती है वो सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश की किरण पानी से गिलास तक जाती है तो वह झुकता है, तो प्रकाश की किरण जब पानी से गिलास की ओर जाएगा तो सामान की ओर यानी सामान की ओर धीमा हो जाता है, तो इसका जो कि आंसर हो जाएगा सामान की ओर धीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सही सूत्र, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो सही सूत्र होता है CaOH को होल ट्वाइस हो जाएगा, यानी CaOH का होल ट्वाइस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर इसके भार का 101/6 गुना होता है, तो आंसर 1/6 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में सारणी के किस समूह में हेलोजन रखा गया है, तो हेलोजन को 17वें समूह में रखा गया, तो आंसर 17वें समूह हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा प्लांटी बॉडी है जो जड़ों तना और पत्तियों में अलग नहीं है, तो स्पाइरागोरा, जो कि जड़ों तना और पत्तियों में अलग नहीं होता है, तो स्पाइरागोरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वनीय रेंज से नीचे आवृत्ति के बीच साथ यानी सर्वनीय रेंज से नीचे आवृत्ति के साथ ध्वनि तरंगों को कहा जाता है, तो इन्फ्रासोनिक कहा जाता है, तो आंसर इन्फ्रासोनिक हो जाएगा। परमाणु संख्या के आधार पर तत्वों को वर्गीकृत किसने किया, तो परमाणु संख्या के आधार पर जो कि किया था वो मोसले ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह बिंदु जहाँ पर एक वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है उसे कहते हैं, तो गुरुत्वाकर्षण केंद्र कहते हैं। 5 से 8% एस्ट्रिक एसिड को कहा जाता है, तो सिरका कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा जानवर मुकुलानिन बंडिंग द्वारा पुनरुत्पादित करता है और पुनर्जनन कार्यान्वित कर सकता है, तो हाइड्रा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब में आमतौर पर रासायनिक रूप से कौन सी निष्क्रिय गैस भरी जाती होती है, तो विद्युत बल्ब में नाइट्रोजन भरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा हार्मोन युवावस्था के समय लड़कों में दिखाई देने वाली उपस्थिति में बदलाव लाता है, तो टेस्टोस्टेरोन जो होता है वो युवावस्था में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रिया जिसमें गर्मी उत्पन्न होती है उसे क्या कहते हैं, तो एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, यानी गर्मी उत्पन्न होने को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करेवा जो कि मिट्टी गाड़ का एक प्रकार है कि भारतीय राज्य में पाई जाती है, तो करेवा जो कि जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। के आर मीरा द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम बताइए जो राजनीति ईमानदारी और आशीर्वाद की कीमती यानी कीमत चुकाने के विषय में जो कि सवाल उठाती है, तो के आर मीरा द्वारा लिखी गई पुस्तक द गॉस्पेल ऑफ यूदास है, तो आंसर द गॉस्पेल ऑफ यूदास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए करेंट अफेयर्स है, वाटरलू का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था, तो वाटरलू का युद्ध जो कि 1815 में लड़ा गया, तो 1815 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, युजवेंद्र चहल जो कि क्रिकेट संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फेमिना में मिस इंडिया 2018 का ताज किसने पहना, तो अनुकृति वास ने पहना था। नेक्स्ट है, यूरोप की सबसे लंबी नदी, तो यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एकमात्र देश जो कि आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप में 4 बार विजय रहा, तो भारत जो कि 4 बार विजय रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी प्रवासी भारतीय दिवस तो 9 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए करेंट अफेयर्स है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18/9/2018 का जो कि सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन, चलिए देखते हैं, मिलियन आवर्त होते हैं, तो MTM और SM। दूध वाले जो कि ताज़े दूध में थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिलाते हैं, तो दूध के अम्लीकरण को रोकने के लिए जो कि बेकिंग सोडा मिलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा का व्यवसायिक इकाई, तो ऊर्जा की इकाई जो कि किलोवाट घंटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए रिकरेंट अफेयर्स है, RBI के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई, तो रघुराम राजन द्वारा जो कि आई डू लिखा गया, तो आंसर आई डू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके कारण स्क्लेरिकामा कोशिका की दीवार मोटी होती है, तो लिग्निन के कारण जो कि स्क्लेरिकामा की दीवार मोटी होती है, तो आंसर लिग्निन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरे आवर्त संबंधित और मजबूत श्रृंखला गुण वाले तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, तो 2 और 4 होता है। पगलडिया बांध परियोजना किस राज्य में है, तो पगलडिया बांध जो कि असम में स्थित है, तो आंसर असम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए जो कि न्यूमेरिकल है। महाराष्ट्र में गोवर्धन इको विलेज का स्थापना किस संगठन ने किया था? तो महाराज इको विलेज का स्थापना जो कि इस्कॉन ने किया था। नेक्स्ट, बादलों का रंग सफ़ेद किसके कारण होता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण बादलों का रंग सफ़ेद होता है। चालक तार की पीवीसी द्वारा कोटिंग करके किसको रोका जाता है? तो शॉर्ट सर्किट को रोका जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 90 ईस्ट रिज जो एक अंत समुद्री ज्वालामुखी रिज है, कौन से महासागर में स्थित है? जो कि हिंद महासागर में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा ट्रेन द ट्रेनर कार्यक्रम किसने लॉन्च किया? तो ट्रेन द ट्रेनर जो कि पुलेला गोपीचंद के द्वारा लॉन्च किया गया, तो आंसर पुलेला गोपीचंद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि है, देखिए किसी कारण एक निश्चित ऊंचाई से भूमि की ओर गिराया जाता है, किसी वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई से भूमि पर गिराया जाता है तब वो भूमि को छूती है, तो इसमें होती है तो ऊपर से यानी छोड़ा जाएगा तो नीचे आने में इसमें गतिज ऊर्जा होता है, तो आंसर इसका जो कि हो जाएगा वो गतिज ऊर्जा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सजीव वस्तुओं में लक्षणों की अनुवंशिकता के सिद्धांतों के प्रतिपादन में योगदान दिया? तो ग्रेगरी मेंडल ने दिया था, यानी अनुवंशिकता के लक्षण में सिद्धांत जो कि ग्रेगरी मेंडल ने दिया। O2 का आणविक द्रव्यमान होता है तो 32 होता है। नेक्स्ट है, दो फोकस दूरी वाले लेंस का उपयोग किससे पीड़ित व्यक्तियों द्वारा किया जाता है? तो मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए कौन सा भारत की स्वदेशी निर्मित और विकसित लंबी दूरी का सबसोनिक क्रूज मिसाइल है? तो इसका जो कि आंसर हो जाएगा वो निर्भया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी सैटेलाइट और पृथ्वी के बीच आकर्षण का गुरुत्वाकर्षण बल किसको तेज प्रदान करती है? तो इसका जो कि आंसर हो जाएगा वह अब केंद्रीय बल हो जाएगा। गोवा पर पुर्तगाल द्वारा किस वर्ष कब्जा कर लिया था? तो 1510 में गोवा पर पुर्तगाल ने कब्जा कर लिया था। स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक तो सी राजगोपालचारी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य में केंद्र सरकार ने हेरिटेज सर्किट के विकास के लिए 98.35 करोड़ रुपये जो कि मंजूरी दी है? तो आसाम हो जाएगा। हम मूत्र त्याग की उत्तेजना को नियंत्रित कर सकते हैं? तो मांसपेशीय मूत्राशय को तंत्रिका नियंत्रण में होने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी तत्व की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282 है तो यह आधुनिक आवर्त सारणी के किस आवर्त संबंधित है? तो यानी आवर्त सारणी के 3 आवर्त संबंधित है। कौन से पौधों के बीच में एक खाद भंडार के रूप में कार्य करता है? तो बीज पत्र जो कि खाद भंडार के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने बिग बॉस 11 के हिंदी संस्करण की मेजबानी किया? तो आंसर सलमान खान हो जाएगा। 4 कार्बन परमाणु वाले हाइड्रोकार्बन के साथ जुड़ने वाला उपसर्ग तो ब्यूट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि है वो 18/9/2018 का थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन। चलिए, कार्बन परमाणु के बारे में C612 में इसमें क्या निष्कर्ष निकाला जाता है? तो इसमें 6 न्यूट्रॉन और 6 प्रोटॉन है। तीसरे आवर्त में मौजूद तत्वों में कौन सी कक्षाएं होती है? तो KL और MO कक्षा होती है। जिस परमाणु की बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या पूर्ण होती है उसकी संयोजकता होती है, तो उसकी संयोजकता जो कि शून्य होती है, तो आंसर शून्य हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालाजार के लिए उत्तरदायी जीवों की उत्पत्ति का कारण? तो कालाजार के लिए उत्तरदायित्व जीव का कारण अधोमुखी युग्मक विखंडन हो जाएगा। स्थिति ऊर्जा किसके बराबर होता है? तो MgH के बराबर होता है। चलिए, किसी तत्व यानी किस तत्व में उच्च आयनीकरण ऊर्जा होती है? तो हीलियम में उच्च आयनीकरण ऊर्जा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है वो ऊर्जा उत्पादन के दौरान हमारी मांसपेशियों की कोशिका में ऑक्सीजन की कमी होती है, तो 6 कार्बन अणु कितना कार्बन अणु में परिवर्तित हो जाता है? तो 6 कार्बन अणु 3 कार्बन अणु में जो कि परिवर्तित हो जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन से जब कार्बन डाइऑक्साइड गुजरती है तो बनने वाला अवक्षेप का रंग होता है तो सफ़ेद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैविक खेती के संवर्धन के लिए किस राज्य सरकार ने शून्य बजट प्राकृतिक कृषि योजना की शुरुआत की? तो आंध्र प्रदेश ने शुरू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए त्वरण की बीमा, तो त्वरण की बीमा LT-inverse 2 होता है, तो LT-inverse 2 हो जाएगा। दो सतह के बीच सतह की अनियमितताओं के परिणाम स्वरूप क्या होता है? तो घर्षण होता है। प्रोटॉन की जानकारी प्रदान करने के लिए DNA के भाग को क्या कहते हैं? तो DNA के भाग को जीन कहते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इक्का एल्यूमिनियम को आधुनिक आवर्तसारणी के किस धातु के रूप में जो कि नामित किया गया? तो इक्का एल्यूमिनियम को जो कि गैलियम के रूप में नामित किया गया। रेगिस्तान पौधों की बाहरी त्वचा पर मोम जैसे पदार्थ की परत पाई जाती है, या पदार्थ है तो क्यूटीन हो जाएगा जो कि मोम जैसी परत पाई जाती है, क्यूटीन हो जाएगा। दंत चिकित्सक अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं क्योंकि इस पर निर्मित प्रतिबिंब होता है, तो आभासी और बड़ा प्रतिबिंब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजों द्वारा निर्मित पहला किला? तो फोर्ट सेंट जॉर्ज किला जो कि पहला किला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से राज्य में भारत के पहले विलेज ऑफ बुक्स का उद्घाटन किया गया, उसे सार्वजनिक रूप से पढ़ने के लिए खोला गया? तो आंसर महाराष्ट्र में जो कि विलेज ऑफ बुक्स का आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ब्रिटिश सरकार ने कुख्यात रोलैक्ट अधिनियम कब पारित किया? इस अधिनियम में बिना मुकदमे के राजनीतिक नज़रबंदों की अनुमति दी गई, तो आंसर 1919 में पारित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी सागर बांध किस राज्य में स्थित है? तो गांधी सागर बांध जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, तो आंसर इसका जो कि हो जाएगा वो मध्य प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का वह पहला शहर जिसने अपने यहाँ के वाहनों पर उनके द्वारा उपयोग किए जाने वाले ईंधन के आधार पर रंगीन होलोग्राफी स्टिकर चिपकाने की व्यवस्था की? तो आंसर दिल्ली हो जाएगा। उस भारतीय सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है जो विश्व में चौथा सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है और मौसम और जलवायु अनुसंधान संबंधी कार्यों में सक्षम है? तो प्रत्यूष हो जाएगा। चेरियल चित्रकला की एक शैली है जो हाल ही में सुर्खियों में रहा, या किस राज्य में स्थित है? तो चेरियल जो है वो तेलंगाना में संबंधित है, तो चेरियल तेलंगाना संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग के प्रधान अध्यक्ष तो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। बलड्डा रेगिस्तान किस देश में स्थित है? तो बलड्डा रेगिस्तान जो कि पोलैंड में स्थित है। अकेले फाइटर एयरक्राफ्ट उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला? तो अवनी चतुर्वेदी हो जाएगा जो कि अकेले फाइटर एयरक्राफ्ट उड़ाने वाली प्रथम महिला थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 19/9/2018 का जो कि फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन, कौन सा तत्व मेंडलीव की आवर्तसारणी में एक निश्चित स्थान नहीं पा सका? तो मेंडलीव की आवर्तसारणी में हाइड्रोजन जो कि एक निश्चित स्थान नहीं पा सका। कौन सी धातु कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में होती है? तो पारा जो कि द्रव अवस्था में होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंगिक प्रजनन के दौरान जब दो अलग अलग कोशिकाएँ संयोजित होती है तो किसका निर्माण होता है? तो दो अलग अलग कोशिकाएँ संयोजित होती है तो युग्मनज का निर्माण होता है, तो युग्मनज हो जाएगा। जब एक धातु पानी के साथ अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस निकलती है? तो हाइड्रोजन निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्फा यानी एप्पल ने किस वर्ष में आईपैड की मल्टीमीडिया डिवाइस के रूप में पेश किया? तो एप्पल ने 2010 को जो कि मल्टीमीडिया डिवाइस के रूप में पेश किया, तो आंसर एप्पल हो जाएगा। शक्ति को किस रूप में व्याख्या किया गया? तो कार्य करने की दर अथवा ऊर्जा स्थानांतरण की दर को शक्ति कहते हैं। प्रोटीन संश्लेषण में क्षार इवेंट से किसका निर्माण होता है? तो mRNA प्रति का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉपर के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? तो 6.022×10^23 जो कि परमाणु होते हैं। यांत्रिक ऊर्जा होती है तो किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और ऊर्जा का योग जो कि यांत्रिक ऊर्जा होता है। ऑक्टेस का न्यूलैंड सिद्धांत लागू होता है तो केवल कैल्शियम तक, जो कि ऑक्टेस का न्यूलैंड सिद्धांत जो कि लागू होता है तो यानी कैल्शियम तक लागू होता है। उस प्रक्रिया का नाम क्या है जिसके द्वारा कोई धातु अपने आसपास उपस्थिति नमी एसिड इत्यादि द्वारा प्रभावित होता है? तो संक्षारण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु का एक अवतल दर्पण के सामने उसके फोकस बिंदु पर वक्रता केंद्र के बीच स्थित एक बिंदु पर रखा जाता है तो निर्मित होने वाली छवि होगा? तो वास्तविक और उल्टा हो जाएगा। टंगस्टन का गलनांक जो कि 3380 होता है। दक्षिण एशियाई खेल परिषद का गठन कब हुआ था? तो 1983 में जो कि दक्षिण एशियाई खेल परिषद का गठन हुआ था। तो भारत का प्रथम वायसराय तो लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा प्रथम वायसराय। भारत का सबसे नया पर्वत कौन सा है? तो हिमालय जो कि भारत का सबसे नया पर्वत है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय फिल्म निर्देशक गुरुदत्त का वास्तविक नाम? तो गुरुदत्त का वास्तविक नाम जो था वो बसंत कुमार शिवशंकर पाटुकोन था। भारतीय संविधान के अनुसार संविधान संशोधन विधेयक संसद के किस संसद में पारित होता है? तो दोनों यानी ऊपरी और निचली सदन अलग अलग में पारित होता है। भारत किसका उपभोक्ता और आयातक सबसे बड़ा उत्पादक है? तो दाल का। यानी भारतीय मूल के व्यक्ति PIO का पहला संसदीय सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? तो भारतीय मूल के व्यक्तियों का पहला संसदीय सम्मेलन 9 जनवरी 2018 को आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम खबरों में रहने वाली आंग सांसुकी का संबंध म्यांमार से संबंधित है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 19/9/2018 का जो कि सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन है, भारत रत्न यानी रेंट ए रूप की योजना क्या क्यों बना रही है? तो रेंट ए रूप की योजना सौर ऊर्जा उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए बना रही है। सोल्डर किसका मिश्रण है? तो सोल्डर टीन और सीसा का मिश्रण है। नेक्स्ट है, कणों की गतिज ऊर्जा किसमें अधिक होता है? तो गतिज ऊर्जा जो कि होता है प्लाज्मा में सबसे अधिक होता है, तो प्लाज्मा इसका आंसर हो जाएगा। तापमान को केल्विन पैमाने से सेल्सियस पैमाने में बदलने के लिए आपको करना होगा, तो दिए गए तापमान में से 273 घटाना होगा। किसका प्रयोग कारों में पेट्रोल के साथ ईंधन के रूप में किया जाता है? तो एथेनॉल का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार का मुख्य बैंकर? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिछले 10 वर्षों में भारत किस क्षेत्र में FDI प्रवाह सबसे ज़्यादा रहा? दूर संचार में सबसे ज़्यादा रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कार उच्च गति से चल रही है या किस ऊर्जा से युक्त होता है? तो ये जो होता है वो गतिज ऊर्जा से जो कि युक्त होता है, तो आंसर गतिज ऊर्जा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि है, ब्रिटिश ने भारत में अंग्रेजों का जो कि अनुदेशों का माध्यम कब बनाया? तो अंग्रेज जो कि अनुदेशों का माध्यम 1835 में बनाया। किसी भी समान समूह में मौजूद तत्वों का एक समान होता है, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या जो कि समान होती है। दांत 6 तब वो शुरू होता है जब मुंह का पेच मान 5.5 से कम होता है। आसमान की ओर फेंका गया पत्थर पृथ्वी की ओर वापस क्यों आता है? तो आंसर एक बल होता है जो इसे भूमि की ओर खींचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब पीएच मान 7 से 14 की ओर बढ़ता है तो यह दर्शाता है? तो आंसर OH- आयन की सांद्रता की वृद्धि जो कि दर्शाता है। किसी वस्तु के मुक्त रूप से गिरने के दौरान कौन सी ऊर्जा इसके रास्ते में किसी एक बिंदु पर बढ़ जाता है? तो गतिज ऊर्जा जो कि बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माता पिता से संतान में शारीरिक या मानसिक गुणों के संचरण को कहा जाता है? तो आंसर आनुवंशिकता कहा जाता है। कौन सी भारतीय राजनीतिक दलों का नेतृत्व उमर अब्दुल्ला करते थे? तो जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो कि नेतृत्व उमर अब्दुल्ला करते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने किस अवसर पर अस्मिता योजना शुरू किया? तो किस अवसर पर? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर अस्मिता योजना का जो कि शुरुआत किया था। आगरा शहर के स्थापना सिकंदर लोदी ने किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ग्रह मान ले जिसका द्रव्यमान और त्रिज्या पृथ्वी के द्रव्यमान और त्रिज्या की 1/3 है, तो पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान जी है, तो जी पर इसका मान होगा तो 3g हो जाएगा। उस देश का नाम बताइए जो निशानेबाज के संयुक्त विश्व कप की यानी 2019 का मेजबानी करेगा? तो निशानेबाज का मेजबानी 2019 में भारत किया। लिम्बा राज जो कि तिरंदाजी जी से संबंधित है। नेक्स्ट, एक वस्तु को अवतल दर्पण के सामने उसके वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच स्थित एक बिंदु पर रखा गया, तो छवि का निर्माण कहाँ पर होगा? तो छवि का निर्माण जो कि वक्रता केंद्र पर यानी पर एक किसी बिंदु पर होगा। एक पौधे के बीज में आगामी पौधे किसके रूप में होता है? तो भ्रूण के रूप में होता है। गंडमाल किसकी कमी के कारण होता है? तो आयोडीन की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए किस वैज्ञानिक ने अपनी पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में कार्बनिक विकास के लिए एक क्रियाविधि का सुझाव दिया था? तो चार्ल्स डार्विन ने दिया था। फिल्म पद्मावत में अलाउद्दीन खिलजी का जो किरदार रणवीर सिंह ने निभाया था। भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा जो कि मैकमोहन रेखा कहलाती है? जिन्ना ऑफेन कम टू अवर हाउस पुस्तक के लेखक? तो आंसर किरण दोषी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु एक नियत वेग से उत्तर की दिशा में बढ़ती है, यानी एक वस्तु एक नियत वेग से उत्तर की दिशा में गति करती है, तो वस्तु पर लागू नेट बल जो कि 0 हो जाएगा। कौन सा उत्तक पौधों की प्रकाश संश्लेषण उस हिस्सों से सामग्री की परिवहन में मदद करता है? तो जो कि फ्लोएम होता है प्रकाश संश्लेषण हिस्सों से सामग्री के परिवहन में मदद करता है। तत्वों का कौन सा वर्गीकरण परमाणु संख्या पर आधारित है? तो आधुनिक आवर्तसारणी जो कि परमाणु संख्या पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम जाती है तो गति बढ़ जाती है, वह अभिलंब से दूर झुक जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है वो है 19/9/2018 का जो कि थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन, प्रजनन की प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाली विभिन्नता क्या हो सकती है? तो वंशानुगत हो सकती है। एल कक्ष में रखे जा सकने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? तो 8 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए आयरन के वायु की उपस्थिति में जलने पर किसका निर्माण होता है? तो
FE2O3 का निर्माण होती है। किस वर्ग के प्राणियों में श्वसन गलफड़ा और फेफड़ा होता है? तो उभयचर के, जो कि उभयचर के प्राणियों में गलफड़ श्वसन और फेफड़ा होता है। अमोनिया में नाइट्रोजन की संयोजकता तो 3 हो जाएगा। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने स्वच्छ बच्चे स्वच्छ भारत कार्यक्रम की शुरुआत जो कि कोची से किया है। स्वच्छ भारत कार्यक्रम का शुरुआत कोची से हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए परमाणु संलयन प्रतिक्रिया स्वचालित रूप से होती है। तो परमाणु संलयन प्रतिक्रिया जो कि स्वचालित रूप सूर्य से होता है। भारतीय क्रिकेट के इतिहास में एक T20 मैच में 5 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज तो युजवेंद्र चहल हो जाएगा, जो कि 5 विकेट लिया था। भारत सरकार ने भारतीय खेल प्राधिकरण यानी की स्थापना किस वर्ष किया था? तो 1984 को भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना किया था। तो आंसर 1984 हो जाएगा। खिलजी का प्रथम जो कि शासक था जलाउद्दीन फिरोज खिलजी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए द रूम ऑन द रूफ और बेगेट्स इन द वैली पुस्तक की लेखिका तो रस्किन बॉन्ड हो जाएगा। 20 फरवरी किसके रूप में मनाया जाता है? तो सामाजिक न्याय का विश्व दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को किस वर्ष राष्ट्रीयकृत किया गया? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को 1955 में राष्ट्रीयकृत किया गया। दोस्तों अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आ रहा है, आप लोग चाहते हैं सीरीज जारी रहे, तो जल्दी से आप लोग अभी तक कमेंट नहीं किए तो कमेंट लिख कीजिए कि ग्रुप डी का सीरीज जो कि जारी रहे, तो आप लोग जल्दी से सीरीज यानी कमेंट कीजिए। और नए हैं तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों चैनल न्यू है, बस आप लोग जितना हो सके सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। तो 7 दिन के अंदर जो कि सारे जी की जेस आप लोग को 10,000+ ग्रुप डी में पूछा हुआ सारे जी की जेस यानी 7 दिन के अंदर ख़त्म कर दूंगा। तो जल्दी से अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने ग्रुप में। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।